इकाई चतुर्थ यूनिट फोर्थ चैप्टर 9 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। प्रश्न एक, पावर पॉइंट से क्या आशय है? पावर पॉइंट के विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज पावर पॉइंट? डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। उत्तर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्यावसायिक दृश्य श्रव्य प्रेजेंटेशन के निर्माण हेतु प्रयोग होने वाला एक प्रभावशाली माध्यम है। पूर्व में यह प्रेजेंटेशन 35 मिलीमीटर की स्लाइड पर बनाए जाते थे तथा स्लाइड प्रोजेक्टर द्वारा प्रदर्शित किए जाते थे। इस कार्य में अत्यधिक मेहनत व चातुर्य की आवश्यकता होती थी। पावर पॉइंट हमें प्रेजेंटेशन के सरल निर्माण हेतु विजार्ड तथा अन्य विशेषताओं द्वारा आसान माध्यम उपलब्ध कराता है। पावर पॉइंट फॉर्मेट की विस्तृत श्रृंखला जिसमें टाइटल, लिस्ट, चित्र, चार्ट आदि तत्व होते हैं को चुनने की सुविधा देता है। इसमें से किसी भी तत्व का प्रेजेंटेशन में प्रयोग किया जा सकता है। यह तत्व हमें प्रभावशाली एवं आकर्षक प्रेजेंटेशन बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। एक प्रेजेंटेशन एक या अधिक स्लाइड से मिलकर बना होता है। प्रेजेंटेशन में ये स्लाइडें एक पूर्व निर्धारित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन का प्रयोग कई क्षेत्रों जैसे व्यवसाय, शिक्षा, उद्योग आदि में बहुलता से किया जाता है। पावर पॉइंट की विशेषताएं। पावर पॉइंट स्लाइड शो के रूप में ग्राफिकल विधि से प्रेजेंटेशन बनाता है जो कि जन प्रस्तुति में सहायता करता है। इस प्रोग्राम का प्रयोग कई क्षेत्रों में विस्तृत रूप से किया जाता है तथा यह बहुत ही प्रभावशाली टूल है। पावर पॉइंट आसानी से सीखा जा सकने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन बनाने हेतु यह विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है। पहली, तीव्र तथा सरल। अन्य माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन की तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के निर्माण हेतु आसान माध्यम के साथ कई टूल उपलब्ध कराता है। टूल तथा विजार्ड की सहायता से यूजर कम समय में अपना प्रेजेंटेशन बना सकता है। इस हेतु विशेष कुशलता की आवश्यकता भी नहीं होती है। दूसरा, मल्टीपल यूज। अलग अलग कार्यों हेतु स्लाइड को हैंडल करने हेतु पावर पॉइंट कई अलग अलग व्यूज प्रदान करता है। यह व्यूज नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड मास्टर, नोट्स तथा स्लाइड शो होते हैं। यूजर अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी व्यू का चयन कर सकता है। तीसरा, ऑटो लेआउट। स्लाइड लेआउट का तात्पर्य किसी स्लाइड पर ऑब्जेक्ट की व्यवस्था से है। पावर पॉइंट में कई प्रकार के आंतरिक स्लाइड लेआउट उपलब्ध हैं। प्रेजेंटेशन के अनुसार यूजर इन पूर्व परिभाषित लेआउट का प्रयोग कर सकता है या स्वयं का लेआउट भी बना सकता है। यूजर अलग अलग स्लाइड पर अलग अलग लेआउट का प्रयोग भी कर सकता है। अगला, डिजाइन टेम्पलेट। डिजाइन टेम्पलेट ग्राफिक्स तथा रंगों से बनी स्लाइड्स की पूर्व निर्मित डिजाइन होती है। प्रभावशाली प्रेजेंटेशन बनाने हेतु यूजर पावर पॉइंट में उपलब्ध कई डिजाइन टेम्पलेट का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकता है। अगला, एनिमेशन तथा ट्रांजिशन। एनिमेशन तथा ट्रांजिशन का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन को रोचक तथा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। स्लाइड के स्क्रीन पर प्रकट होने के तरीके को ट्रांजिशन कहते हैं। एनिमेशन स्लाइड के विभिन्न अंगों का प्रयोग किए गए दृश्य श्रव्य प्रभाव होते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड ट्रांजिशन व एनिमेशन की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जिन्हें आसानी से प्रेजेंटेशन में प्रयोग किया जा सकता है। अगला, स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट्स प्रेजेंटेशन के साथ जुड़े हुए वे नोट्स होते हैं
जिन्हें प्रस्तुतकर्ता अपनी जानकारी हेतु प्रयोग कर सकता है। पावर पॉइंट स्लाइड का एक भाग जो कि प्रेजेंटेशन के दौरान छुपा रहता है, स्पीकर नोट्स हेतु आरक्षित रहता है। इस क्षेत्र में प्रस्तुतकर्ता प्रेजेंटेशन के दौरान प्रयोग होने वाले आवश्यक मुख्य बिंदुओं को लिख सकता है। अगला हैंडआउट। पावरपॉइंट श्रोताओं की जानकारी हेतु हैंडआउट को प्रिंट करने की सुविधा देता है। प्रेजेंटेशन के समय हैंडआउट्स का प्रयोग कर श्रोताओं को विषय की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। पावरपॉइंट हैंडआउट में स्लाइड के साथ लिखने हेतु स्थान उपलब्ध कराता है, जिस पर श्रोता प्रेजेंटेशन के समय मुख्य बिंदुओं को लिख सकते हैं। अगला वेब प्रेजेंटेशन। पावरपॉइंट अपने प्रेजेंटेशन को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने की सुविधा देता है। आप अपने प्रेजेंटेशन को वेब पेज के रूप में सेव कर किसी भी वेब सर्वर पर उन्हें रख सकते हैं तथा किसी भी ब्राउजर में देख सकते हैं। प्रश्न दो, निम्न को परिभाषित कीजिए। प्रेजेंटेशन ब स्लाइड, स लेआउट, डी स्लाइड ट्रांजिशन, ई एनिमेशन, एफ स्लाइड शो। उत्तर ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का समूह होते हैं। यह पावरपॉइंट द्वारा बनाए जाने वाली प्राथमिक फाइल होती है। प्रेजेंटेशन की फाइल का एक्सटेंशन सामान्यतः .ppt होता है, परंतु आप इन्हें वेब पेज के रूप में सेव करने हेतु .html या .htm एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। बी स्लाइड्स। स्लाइड्स प्रेजेंटेशन की मुख्य इकाई होती है। स्लाइड्स की तुलना हम किसी डॉक्यूमेंट के एक पृष्ठ से कर सकते हैं तथा इसमें शब्द, चित्र अथवा एनिमेशन आदि हो सकते हैं। सी लेआउट। लेआउट किसी स्लाइड पर शब्दों, चित्रों अथवा अन्य तत्वों की एक निश्चित व्यवस्था को कहा जाता है। लेआउट साधारण हो सकते हैं जिनमें केवल शब्द होते हैं, या जटिल भी हो सकते हैं जिनमें शब्दों के साथ चित्रों, रंगों आदि का प्रयोग होता है। आप आवश्यकता अनुसार किसी लेआउट में एनिमेशन, ध्वनि या अन्य मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। डी स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन एक स्लाइड के स्क्रीन पर आने व जाने के दृश्य प्रभाव को कहा जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने स्लाइड शो को उत्तम बनाने हेतु प्रयोग कर सकते हैं। ई एनिमेशन। पावर पॉइंट में एनिमेशन उन दृश्य प्रभावों को कहते हैं जिनका प्रयोग कर स्लाइड के ऑब्जेक्ट जैसे चित्र, टाइटल, बुलेट आदि स्क्रीन पर प्रकट होते हैं। लास्ट स्लाइड शो। यह स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन के प्रदर्शन की अवस्था होती है। जब आप स्लाइड शो में किसी स्लाइड को प्रदर्शित करते हैं तब सामान्यतः यह पूरी स्क्रीन को घेरती है तथा एक निश्चित क्रम में सामने आती है। प्रश्न तीन, एक टेम्पलेट के प्रयोग द्वारा आप किस प्रकार एक नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। डिस्क्राइब मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट। उत्तर, एक पावर पॉइंट टेम्पलेट एक पैटर्न, ब्लूप्रिंट अथवा स्लाइड्स का समूह होता है। टेम्पलेट्स में लेआउट्स, थीम कलर्स, थीम फॉन्ट्स, थीम इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल तथा कभी कभी स्टाइल का कंटेंट भी हो सकता है। आप कस्टम टेम्पलेट निर्मित व स्टोर कर सकते हैं जिसे बाद में पुनः प्रयोग किया जा सकता है। पावर पॉइंट में कई विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट्स उपलब्ध हैं। टेम्पलेट प्रयोग प्रेजेंटेशन में करने हेतु। पहला, ऑफिस बटन पावर पॉइंट 2007 में, या फाइल टैब पावर पॉइंट 2010 में से न्यू के विकल्प का चयन करें। अंतिम प्रयुक्त टेम्पलेट को पुनः प्रयोग करने हेतु रीसेंट टेम्पलेट पीपी 2010 में
अथवा ब्लैंक एंड रिसेंट पीपी 2007 में पर क्लिक करें। नेक्स्ट, इंस्टॉल किए गए या यूजर द्वारा निर्मित टेम्पलेट का प्रयोग करने हेतु माय टेम्पलेट पर क्लिक करके उपयुक्त टेम्पलेट का चयन कर ओके करें। आखिरी, टेम्पलेट डाउनलोड करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टेम्पलेट्स के अंतर्गत एक टेम्पलेट कैटेगरी का पर क्लिक करें, टेम्पलेट को सिलेक्ट कर डाउनलोड पर क्लिक करें। प्रश्न 4, स्लाइड मास्टर से क्या आशय है विस्तार पूर्वक समझाइए। व्हाट इज स्लाइड मास्टर, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। उत्तर, पावर पॉइंट के प्रत्येक टेम्पलेट के साथ एक स्लाइड मास्टर होता है। स्लाइड मास्टर किसी प्रेजेंटेशन की संपूर्ण फॉर्मेटिंग तथा ऑब्जेक्ट की व्यवस्था को नियंत्रित करता है, जो कि फॉन्ट का आकार, प्रकार, रंग, पृष्ठभूमि का रंग, चित्र तथा कुछ विशेष प्रभाव जैसे टेक्स्ट शेडोइंग आदि हो सकते हैं। जब भी आप प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों पर एक समान परिवर्तन करना चाहें, तो एक एक स्लाइड को परिवर्तित करने के स्थान पर केवल स्लाइड मास्टर में परिवर्तन कर यह कार्य किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्लाइड मास्टर में फॉन्ट परिवर्तित करते हैं, तब सभी स्लाइड में फॉन्ट स्वतः ही बदल जाता है। यदि आप स्लाइड मास्टर पर कोई लोगो लगाते हैं, तो यह लोगो प्रत्येक स्लाइड पर प्रदर्शित होता है। स्लाइड मास्टर का प्रयोग कर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक स्लाइड का आकार व रूप एक समान हो। स्लाइड मास्टर पर कार्य करने हेतु निम्न चरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला, स्लाइड मास्टर को खोलने हेतु व्यू रिबन से मास्टर व्यू ग्रुप से स्लाइड मास्टर के विकल्प का चयन करें। दूसरा, इससे स्लाइड मास्टर तथा उसका रिबन स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। अगला, स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट जैसे टाइटल, लिस्ट आदि में परिवर्तन करने हेतु उसका चयन करें तथा वांछित फॉन्ट, स्टाइल, कलर, अलाइनमेंट या बुलेट में परिवर्तनों को पूर्ण करें। आखिरी, सारे परिवर्तन पूर्ण होने पर स्लाइड मास्टर रिबन के क्लोज मास्टर व्यू बटन पर क्लिक करें। प्रश्न 5, पावर पॉइंट में एक थीम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। हाउ टू अप्लाई अ थीम इन पावर पॉइंट। उत्तर, डिजाइन थीम द्वारा प्रेजेंटेशन में कलर्स, ग्राफिक्स तथा फॉन्ट्स का प्रयोग एक साथ आसानी से किया जा सकता है। नई थीम के प्रयोग द्वारा प्रेजेंटेशन में कई वृहद परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके द्वारा स्लाइड्स के टाइटल में वर्ड आर्ट प्रभाव दिया जा सकता है। एक थीम प्रेजेंटेशन में टेबल्स, चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, शेप्स तथा अन्य ऑब्जेक्ट्स को एक समान एक संपूर्ण रूप देती है। थीम स्लाइड्स के लेआउट तथा पृष्ठभूमि में परिवर्तन करती है। प्रेजेंटेशन में थीम का प्रयोग करने हेतु, पहला, डिजाइन टैब पर थीम ग्रुप में थीम गैलरी से आवश्यकता अनुसार थीम का चयन करें। दूसरा, किसी थीम के स्लाइड पर प्रभाव के पूर्वावलोकन हेतु थीम को थंबनेल पर माउस पॉइंटर पर रखें। अगला, और अधिक थीम देखने के लिए थीम गैलरी के दाएं निचले भाग पर स्थित मोर बटन पर क्लिक करें। प्रश्न 6, पावर पॉइंट में उपलब्ध विभिन्न व्यूज का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन अबाउट वेरियस व्यूज अवेलेबल इन पावर पॉइंट। उत्तर, पावर पॉइंट व्यू। स्लाइड शो के अतिरिक्त पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के निर्माण हेतु आपको 4 स्क्रीन लेआउट प्रदान करता है। आप किसी भी व्यू का चयन स्क्रीन के बाई और नीचे स्थित बटन द्वारा या व्यू मेन्यू से कर सकते हैं। पहला, नॉर्मल व्यू। इस व्यू में स्क्रीन 3 भागों में विभाजित होती है, जिसमें प्रेजेंटेशन आउटलाइन बाई और स्लाइड मुख्य विंडो में तथा नोट्स निचले भाग में होते हैं।
इस व्यू का प्रयोग स्लाइड को डिजाइन हेतु किया जाता है। बी स्लाइड स्टार्टर व्यू। स्लाइड स्टार्टर व्यू सभी स्लाइडों को छोटे रूप में एक साथ प्रदर्शित करता है। स्लाइड स्टार्टर व्यू में आप आसानी से स्लाइड जोड़ हटा सकते हैं अथवा इनके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। स्लाइड स्टार्टर व्यू में एक विशेष स्लाइड सॉर्टर टूल बार भी प्रदर्शित होता है। इसमें स्लाइड्स पर ट्रांजिशन व एनिमेशन प्रभाव तथा नोट्स आदि डालने हेतु विकल्प उपलब्ध होते हैं। तीसरा नोट्स व्यू। यह स्लाइड को छोटे रूप में दिखाकर उसके नीचे नोट्स लिखने हेतु स्थान प्रदान करता है। प्रत्येक स्लाइड स्वयं के नोट पेज में प्रदर्शित होती है। स्पीकर इन नोट पेजों को प्रिंट कर प्रेजेंटेशन के समय उपयोग कर सकता है। यह नोट प्रेजेंटेशन के समय प्रदर्शित नहीं होते हैं। डी आउटलाइन व्यू। इस व्यू में प्रेजेंटेशन आउटलाइन स्क्रीन का सर्वाधिक हिस्सा घेरता है तथा स्लाइड एवं नोट्स के लिए छोटा सा स्थान रहता है। इस व्यू को टेक्स्ट लिखने या परिवर्तित करने हेतु किया जाता है। आखिरी स्लाइड शो। यह जानने हेतु कि प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड्स किस प्रकार प्रदर्शित होंगी, स्लाइड शो व्यू का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड शो में आप माउस बटन तथा विभिन्न कुंजियों का प्रयोग शो को नियंत्रित करने हेतु कर सकते हैं। प्रश्न 7। पावर पॉइंट में आप निम्न कार्य किस प्रकार संपन्न करेंगे? ए नई स्लाइड जोड़ना, बी स्लाइड कॉपी अथवा मूव करना, सी स्लाइड डिलीट करना, डी स्लाइड लेआउटिंग। हाउ कैन यू परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटीज इन पावर पॉइंट? ए इंसर्टिंग न्यू स्लाइड, बी कॉपिंग और मूविंग अ न्यू स्लाइड, कॉपिंग और मूविंग अ स्लाइड, सी डिलीटिंग अ स्लाइड, डी स्लाइड लेआउटिंग। उत्तर ए स्लाइड जोड़ना। पावर पॉइंट की शुरुआत एक स्लाइड से होती है। आप आवश्यकता अनुसार एक से अधिक स्लाइड इसमें जोड़ सकते हैं। नई स्लाइड जोड़ने हेतु निम्न चरणों का पालन करें। पहला, स्लाइड विंडो में स्लाइड के नंबर पर क्लिक कर उस स्लाइड का चयन कीजिए जिसके आगे नई स्लाइड जोड़ना है। दूसरा, होम रिबन के स्लाइड ग्रुप से न्यू स्लाइड विकल्प का चयन कीजिए या Ctrl+M कुंजी दबाएं। स्क्रीन पर न्यू स्लाइड प्रदर्शित होगी। तीसरा, न्यू स्लाइड विंडो से स्लाइड लेआउट का चयन कर ओके पर क्लिक करें। बी स्लाइड का स्थान परिवर्तन करना। स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड का स्थान परिवर्तन करने के लिए स्लाइड का चयन कर उसे ड्रैग करके नए स्थान पर ले जाकर छोड़ दीजिए। नॉर्मल अथवा आउटलाइन व्यू में स्थान परिवर्तन हेतु स्लाइड नंबर के पास उपस्थित स्लाइड के आइकन का चयन कर उसे ड्रैग कर नए स्थान पर ले जाकर छोड़ दीजिए। सी स्लाइड को कॉपी करना। आप एक या अधिक स्लाइड की कॉपी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार आप अन्य एप्लीकेशन में कार्य करते हैं। स्लाइड की कॉपी बनाने हेतु कई विधियां उपलब्ध हैं। आप निम्न सरल चरणों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, बाई ओर स्थित आउटलाइन पैन पर वांछित स्लाइड का चयन करें। दूसरा, स्टैंडर्ड टूल बार के कॉपी बटन पर क्लिक करें या Ctrl+C कुंजी दबाएं। तीसरा, पॉइंटर को उस स्थान पर ले जाएं जहां पर स्लाइड को कॉपी करना है। आखिरी, स्टैंडर्ड टूल बार से पेस्ट बटन पर क्लिक करें या Ctrl+V की कुंजी दबाएं। अगला, स्लाइड को डुप्लीकेट करना। पहला, आउटलाइन पैन में से वांछित
स्लाइड का चयन कर एडिट मेन्यू से डुप्लीकेट स्लाइड को के विकल्प का चयन करें अथवा कंट्रोल कुंजी को दबाए रख वांछित स्लाइड को ड्रैग कर उस स्थान पर छोड़ दीजिए जहां स्लाइड को कॉपी करना है। ई स्लाइड को हटाना। प्रेजेंटेशन में से किसी भी स्लाइड को हटाने की प्रक्रिया अत्यधिक सरल है। इस हेतु स्लाइड का चयन कर कीबोर्ड पर उपलब्ध डिलीट कुंजी दबाएं। नेक्स्ट स्लाइड लेआउट। लास्ट स्लाइड लेआउट। जब भी हम प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ते हैं तब उसका लेआउट सिलेक्ट की गई स्लाइड के समान होता है। हमें बाद में स्लाइड लेआउट परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। इस स्थिति में निम्न चरणों का पालन करना होता है। पहला, उस स्लाइड पर क्लिक कर चयन करें जिसका लेआउट परिवर्तन करना है। दूसरा, होम रिबन के स्लाइड ग्रुप से स्लाइड लेआउट के विकल्प का चयन करें। इससे स्लाइड लेआउट का स्क्रीन का लिस्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। आखिरी, इस लिस्ट से उपयुक्त लेआउट का चयन करें और ओके बटन पर क्लिक करें। प्रश्न 8। पावर पॉइंट में आप किस प्रकार किसी स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने अथवा जोड़ने परिवर्तित या डिलीट करने का कार्य करते हैं। हाउ कैन यू इंसर्ट एडिट और डिलीट टेक्स्ट ऑन स्लाइड इन पावर पॉइंट। उत्तर, किसी टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखने हेतु टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक बार क्लिक करें। इसमें टेक्स्ट बॉक्स की सीमा रेखा कुछ मोटी हो जाती है तथा उसमें कर्सर प्रदर्शित होता है। अब आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। लिखने का कार्य संपन्न होने पर टेक्स्ट के बाहर क्लिक करें। ऐसा करने पर टेक्स्ट बॉक्स की बाहर रेखा दिखना बंद हो जाती है। इसी प्रक्रिया द्वारा आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखे टेक्स्ट को आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तित कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट डिलीट करने के लिए उसे सिलेक्ट कर डिलीट अथवा बैक स्पेस की कुंजी दबाएं। प्रश्न 9। पावर पॉइंट पैराग्राफ फॉर्मेट करने हेतु उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का वर्णन कीजिए। Describe various options available for formatting a paragraph in PowerPoint. उत्तर, A. Alignment. PowerPoint आपको चार प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट के विकल्प उपलब्ध कराता है। Left, Centered, Right व Justify. टेक्स्ट बॉक्स में किसी भी पैराग्राफ अथवा शब्द समूह के अलाइनमेंट को बदलने के लिए उसका चयन कर तथा फॉर्मेटिंग टूल बार पर वांछित अलाइनमेंट के बटन पर क्लिक करें या फॉर्मेट मेन्यू के अलाइनमेंट से सब मेन्यू से वांछित विकल्प का चयन करें। बी लाइन स्पेसिंग। किसी पैराग्राफ में लाइन के मध्य के रिक्त स्थान को घटाने या बढ़ाने हेतु। पहला, होम रिबन के पैराग्राफ ग्रुप से लाइन स्पेस के विकल्प का चयन करें। इसमें लाइन स्पेसिंग की लिस्ट से स्पेस का चयन करें अथवा लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पर क्लिक करें। दूसरा, प्रदर्शित लाइन स्पेसिंग डायलॉग बॉक्स में लाइनों के मध्य की दूरी बढ़ाने हेतु लाइन स्पेसिंग बॉक्स में लिखी संख्या में परिवर्तन करें। आप उस इकाई का चयन भी कर सकते हैं जिसके द्वारा संख्या में परिवर्तन करना है। तीसरा, पैराग्राफ के ऊपर तथा नीचे के रिक्त स्थान को बढ़ाने अथवा घटाने हेतु बिफोर पैराग्राफ व आफ्टर पैराग्राफ के बॉक्स की संख्या में परिवर्तन करें। आखिरी, परिवर्तनों को पूर्ण करने हेतु ओके पर क्लिक करें। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में ड्राइंग। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने हेतु शेप्स का वृहद संग्रह प्रदान करता है। स्लाइड्स पर शेप्स जोड़ने हेतु पहला, इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप से शेप्स के विकल्प पर क्लिक करें। दूसरा,
प्रस्तुत ड्रॉप डाउन मेन्यू से उपयुक्त शेष शेप का चयन किए करें। अगला, उपयुक्त आकार का शेप निर्मित करने हेतु माउस को क्लिक या ड्रैग करें। अगला, माउस को रिलीज करें। आखिरी, शेप को रिसाइज व रोटेट करने हेतु रिसाइज हैंडल्स व रोटेट हैंडल का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न 10, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का मुद्रण प्रिंटिंग किस प्रकार किया जाता है? हाउ अ प्रेजेंटेशन इज प्रिंटेड इन पावर पॉइंट? उत्तर, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को प्रिंट करते समय आपके पास विभिन्न चार फॉर्मेट के विकल्प होते हैं, स्लाइड्स, हैंडआउट्स, नोट्स पेजेस व आउटलाइन व्यू। इसमें से प्रत्येक फॉर्मेट स्लाइड पर उपलब्ध सूचना को अलग प्रकार से प्रदर्शित करता है। जब आप स्लाइड फॉर्मेट का प्रयोग कर प्रिंट करते हैं तब प्रत्येक स्लाइड पूरे कागज पर क्षैतिज रूप से प्रिंट होती है। जब आप हैंडआउट प्रिंट फॉर्मेट का प्रयोग कर प्रिंट करते हैं तब एक कागज पर एक से अधिक स्लाइड प्रिंट होती है। जब आप नोट्स लेआउट के रूप में प्रिंट करते हैं तब प्रत्येक स्लाइड अलग अलग कागज पर स्पीकर नोट्स के साथ प्रिंट होती है। जब आप स्लाइड को आउटलाइन व्यू में प्रिंट करते हैं तब सभी स्लाइड्स की जानकारी आउटलाइन के रूप में प्रिंट होती है, इनमें से किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट करने हेतु। पहला, फाइल टैब पर प्रिंट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर प्रिंट पेन प्रदर्शित होगा। दूसरा, सेटिंग्स भाग में से सभी स्लाइड्स को प्रिंट करने हेतु ऑल विकल्प का चयन करें। वर्तमान चयनित स्लाइड को प्रिंट करने हेतु करंट स्लाइड के विकल्प का चयन करें अथवा स्लाइड के बॉक्स में उन स्लाइडों की क्रम संख्या लिखें जिन्हें प्रिंट करना है। अगला, नंबर ऑफ कॉपीज के बॉक्स में प्रतिलिपियों की संख्या लिखें। अगला, प्रिंट लेआउट लिस्ट में से वांछित फॉर्मेट का चयन करें। आखिरी, प्रिंट करने हेतु ओके पर क्लिक करें। प्रश्न 11, पावर पॉइंट में हैंडआउट तथा नोट्स से क्या आशय है समझाइए। व्हाट आर हैंडआउट्स एंड नोट्स इन पावर पॉइंट एक्सप्लेन। उत्तर, हैंडआउट पेपर की शीट पर एक साथ प्रिंट किए जाने वाले स्लाइड के छोटे रूप थंबनेल को कहा जाता है। हैंडआउट को प्रिंट करने का प्रारूप आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। सामान्यतः पावर पॉइंट में एक हैंडआउट पेज पर 1, 2, 3, 4, 6 तथा 9 स्लाइड प्रिंट की जा सकती है। सामान्यतः हैंडआउट को प्रेजेंटेशन के पूर्वावलोकन हेतु प्रिंट किया जाता है। प्रेजेंटेशन के समय हैंडआउट को श्रोताओं को भी वितरित किया जाता है। हैंडआउट प्रिंट करने हेतु फाइल टैब के प्रिंट ऑप्शन में उपलब्ध लिस्ट से हैंडआउट के विकल्प का चयन किया जा सकता है। प्रत्येक शीट पर होने वाली स्लाइड की संख्या तथा उनका अनुक्रम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का चयन भी किया जा सकता है। पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड के साथ नोट्स लिखने की सुविधा भी होती है। स्पीकर इन नोट्स को प्रिंट करके प्रेजेंटेशन के समय संदर्भ हेतु प्रयोग कर सकता है। प्रेजेंटेशन के समय नोट्स स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं होते। स्लाइड पर नोट्स लिखने हेतु दो विकल्प हैं। पहला, नॉर्मल व्यू में स्क्रीन के नीचे के भाग में नोट्स एरिया पर क्लिक करें तथा नोट्स टाइप करें। नोट्स का आकार छोटा होने पर इस विधि का प्रयोग सरलता पूर्वक किया जा सकता है। दूसरा, यदि आप बड़े नोट्स बनाना चाहते हैं तो व्यू रिबन से नोट पेजेस विकल्प का चयन करें। नोट्स व्यू में हर स्लाइड हेतु एक पेज प्रदर्शित होता है जिसमें स्लाइड का लघु रूप भी होता है।
नोट्स व्यू में आप टेक्स्ट, ड्राइंग्स तथा पिक्चर्स भी प्रयोग कर सकते हैं। नोट्स को प्रिंट करने हेतु फाइल टैब के प्रिंट ऑप्शन लिस्ट से नोट्स पेजेस के विकल्प का चयन किया जा सकता है। प्रश्न 12, प्रेजेंटेशन को सेव करने हेतु पावर पॉइंट द्वारा कौन से प्रमुख फाइल फॉर्मेट्स प्रदान किए जाते हैं? What are the various file formats available in PowerPoint to save a presentation? उत्तर, PowerPoint कई विभिन्न फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन को सेव करने की सुविधा प्रदान करता है। यह अत्यधिक उपयोगी सुविधा है, विशेष तौर पर अगर यूजर अपने प्रेजेंटेशन को किसी ऐसे अन्य यूजर के साथ शेयर करना चाहता है जिसके पास पावर पॉइंट का समान वर्जन नहीं है या पावर पॉइंट ही नहीं है। पावर पॉइंट द्वारा उपलब्ध कुछ प्रमुख फाइल फॉर्मेट निम्न है। पहला PPTX, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यह पावर पॉइंट 2007 या बाद के वर्जन्स में फाइल सेव करने का डिफॉल्ट विकल्प है। यह XML पर आधारित है। दूसरा PPT, PowerPoint 97 to 2003 presentation। यह फाइल टाइप PowerPoint 2003 या उसके पूर्व के वर्जन्स में निर्मित प्रेजेंटेशन को सेव करने हेतु प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन को उन यूजर्स के साथ शेयर करने हेतु हो सकता है जो PowerPoint 2003 या पूर्व के वर्जन पर कार्य करते हों। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यह फाइल टाइप प्रेजेंटेशन को PDF फाइल के रूप में सेव करता है। अगला POTX, पावर पॉइंट टेम्पलेट। यह फाइल टाइप प्रेजेंटेशन को टेम्पलेट के रूप में सेव करता है जिससे नए प्रेजेंटेशन निर्मित किए जा सकते हैं। अगला PPSX, पावर पॉइंट शो। यह फाइल टाइप प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में सेव करता है। यह फॉर्मेट सभी प्रकार के PPTX फाइल जैसा होता है, पर डबल क्लिक करें तो यह नॉर्मल व्यू के स्थान पर स्लाइड शो व्यू को प्रदर्शित करता है। लास्ट WMV, विंडोज मीडिया वीडियो। यह फाइल टाइप प्रेजेंटेशन को वीडियो फाइल के रूप में सेव करता है जिसे वेब या किसी मीडिया प्लेयर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, प्रेजेंटेशन में आप एक नई स्लाइड किस प्रकार जोड़ेंगे? हाउ डू यू एड अ न्यू स्लाइड टू अ प्रेजेंटेशन? उत्तर, प्रश्न 7 का अ देखें। प्रश्न 2, प्रेजेंटेशन में आप किसी स्लाइड को लेआउट किस प्रकार परिवर्तित करेंगे? How do you change the layout of presentation? Layout of slide in presentation. उत्तर, प्रश्न 7 का F देखें। प्रश्न 3, PowerPoint में आप किसी पैराग्राफ में लाइन के मध्य की स्पेस को परिवर्तित कैसे करेंगे? How can you change the line space in paragraph in PowerPoint? उत्तर, प्रश्न 9 का ब देखें। आखिरी, पावर पॉइंट में आप कोई आकार किस प्रकार निर्मित कर सकते हैं? हाउ कैन यू ड्रॉ अ शेप इन पावर पॉइंट? उत्तर, प्रश्न 9 का स देखें।